जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मेरी सिस्टर आई हुई है और दिल्ली से 2 दिन की छुट्टी थी उसको, सैटरडे संडे। तो उसने सोचा, सडन प्लान बनाया, वैसे उसका कोई प्लान नहीं था आने का, तो उसने सडन प्लान बनाया आने का। उसको कुछ काम भी था तो वो आई हुई है। और नोनू भी बहुत खुश है कि आज उसकी मासी आई है। सुबह से ही वो मासी से ही चिपकी हुई है नोनू। तो अभी मैं और मेरी बहन, उसको कुछ काम है पहले तो वो करने जाएंगे और उसके बाद हम देखते हैं कहाँ जाते हैं। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। मेरे सर में दर्द हो रहा है बट फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के साथ क्योंकि वो भी इतने टाइम बाद आई है आज। उसके बाद फिर पता नहीं कितने टाइम बाद आएगी। तो अपना दर्द अपने सर में रख के जाते हैं, देख के आते हैं, घूम के आते हैं। थोड़ा सा घर में रह रहे के भी सर में दर्द होता है, पर ये धूप से तो ज़्यादा ही हो गया। जाते हैं, चलो चलते हैं, चलो चलिए। उनका काम हो गया और फिर हम आ चुके हैं यहाँ पे आगरा चाट भंडार में। गरिमा गई है अंदर बिल करवाने, हम खाने वाले हैं गोलगप्पे। फिर हम चले गए थे रिलायंस ट्रेन क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे नोनू के लिए ड्रेस। मतलब हम लोग क्या, गरिमा देख रही थी। गरिमा नोनू को राखी का गिफ्ट दे रही थी तो उसके लिए वो ड्रेस देख रही थी और नोनू भी यहाँ खुद ही सिलेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे पार्टी वियर ड्रेसेस का कलेक्शन भी अच्छा है, मतलब रिलायंस ट्रेंड जो ये मुखानी पे है वहाँ पे। और ये देखो, ये नोनू भी अपने लिए एक ड्रेस, मतलब एक शॉर्ट्स उसने पकड़ा हुआ है, वो छोड़ ही नहीं रही थी उसको। और यहाँ पे फिर मैं कुछ कुर्ती भी देख रही थी, मुझे तो पसंद नहीं आ रही थी। गरिमा मुझसे बोल भी रही थी कि तुझे लेना है तो ले ले, फिर मैंने कहा छोड़, मुझे तो नहीं लेना है। तो गरिमा खुद ही देख रही थी अपने ऑफिस के लिए कुछ, तो उसको कुछ समझ नहीं आया तो उसने कुछ और ही लिया है। फिर हम, ये गरिमा ने इतने कपड़े लिए बट बैग नहीं लिया, देखा समझदार लड़की। फिर हम यहाँ से चले गए थे वापस घर को और ये लेके आई है गरिमा नोनू के लिए ये सारी ड्रेसेस। फिर हम लोग आ गए थे ये मंदिर। मैं तो नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे ससुराल में मैं कोई दूर के रिलेटिव है, उनकी डेथ हुई थी तो हम लोगों को छूट लगी हुई थी 3 दिन की। तो गरिमा जाती है हर सैटरडे को, तो वो गई हुई थी मंदिर। फिर घर आके ये डाइट वाली आइसक्रीम खाई क्योंकि मेरा बीपी लो हो रहा था, मेरा आइसक्रीम खा के थोड़ा ठीक होता है। वैसे ये नो एडेड शुगर वाली आइसक्रीम थी क्योंकि मुझे शुगर इनटेक भी कम ही करना है, मतलब करना ही नहीं है। तो ये वाली आइसक्रीम खाई और गरिमा ने खाई काजू किशमिश। और फिर मैंने ये खाया फ्रूट सैलेड जो कि मम्मी ने काट के दिया था। अगर मम्मी नहीं काट के देती तो मैं नहीं खाती है, मैं ऐसे फ्रूट्स खाती नहीं, मुझे वैसे फ्रूट्स पसंद नहीं है, पर अगर कोई काट के दे दे प्लेट में तो मैं खा लूँगी। नेक्स्ट डे और हम आए हैं वॉकवे में। गरिमा जा रही है अपनी बेटी को लेके। हम नोनू को बस ऐसे घुमाने के लिए लेके आए हैं और कुछ नहीं, थोड़ा फ़ोन लेना था सही कराने के लिए दिया था। जब तक वो सही होता तब तक हम सोचा हमने कि यहाँ घूम लेते हैं। और फिर हम यहाँ घुस गए फिर से पैंटलूंस में, आपको पता ही है लड़कियों का क्या ही होता है। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत देखा, कुछ समझ में नहीं आया। फिर यहाँ पे नोनू को हमने गाड़ी में बैठा दिया थोड़ा टाइम पास करने के लिए क्योंकि फ़ोन दिया था मम्मी का थोड़ा सा ख़राब हो गया था, नोनू ने फेंक दिया था तो उसकी डिस्प्ले थोड़ा उड़ गई थी, तो उसको सही करवाने के लिए दिया था। फिर हम ऐसे ही, फिर टाइम उसने कहा 1 घंटा, तो फिर हम यहाँ पर वेस्ट करने आए 1 घंटा। और हमने ये डाइजेशन वाली गोली भी ली है, हींग गोली। और ये आपको पता ही है वॉकवे के पास एक गाड़ी है यहाँ पर लंदन कार। उसके बाद गरिमा अपने लिए आइसक्रीम ले रही थी बस। अब हम जा रहे हैं घर को। कुछ लोग बोलेंगे तुम तो घूम रही हो, तुम्हारे कहाँ से सर में दर्द हो रहा है। तो बता दूँ, मैंने पेन किलर खाई हैं इसलिए ठीक है। अब मेरी बहन रोज़ रोज़ तो आएगी नहीं, इसलिए मेरा बहन कल जा रही है, मेरी बहनू। तो अब हम घर आ गए हैं
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कल मेरी बहन जा रही है।